हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे दोस्तों? चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि दोस्तों मेरे को आज इतना बोले क्या बताऊँ यार आप। और दोस्तों आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ इंटरेस्टिंग बोलने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग सुनते हो और दोस्तों आप लोग तक। तो दोस्तों यहाँ पर दो डीजे लेके आया था 62.5 के भी, उसमें से क्या हुआ दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करते करते वीडियो को शेयर भी कर देना और उसके साथ बेल आइकन ऑन कर देना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं जो आज इस फील्ड में देख पा रहा हूँ, यहाँ पर आया हूँ, एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर क्या है, मेरा दो डीजी आया है और 62.5 के भी दो डीजी। तो दोस्तों इस कंपनी में मैं दो डीजी लाया जब ही, तभी स्टार्टिंग होने वाला था, और उसी टाइम स्टार्टिंग होने के टाइम दो डीजी का अंदर एक डीजी खराब हो गया। जाने के बाद दोस्तों एक डीजी में स्टार्ट हुआ और एक डीजी नहीं चला, जस्ट 4 घंटा चला, ये सामने में मैं दिखाऊंगा लास्ट में आप लोग को। और दोस्तों यहाँ 4 घंटा चला है एक डीजी, उसके बाद खत्म हो गया और एक डीजी कंटिन्यू रनिंग है। और दोस्तों कोई भी चीज़, जैसे मान लो मैं कुछ एक उद्बोधन करने जा रहा हूँ या कुछ कंपनी ओपन कर रहा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ, उस काम में अगर रुकावट आएगा तो हमको भी कैसा लगेगा? तो दोस्तों हर किसी को खराब लगेगा, तो इसी चलते इस कंपनी में भी ऐसा हुआ, एक डीजी क्या हुआ खराब हो गया, ज़्यादा स्मोक आ रहा यानी ज़्यादा धुआं मार रहा था, तो उसके वजह से उसका प्रॉब्लम क्या था, मैं को जब चेक करके देखा तो उसका प्रॉब्लम था जो पिस्टन था, पिस्टन का नोजल रहता है, उस नोजल में ज़्यादा गैप हो गया, और गैप हो जाने की वजह से दोस्तों ऑयल और कूलेंट मिक्स हो गया और इसके वजह से हम इंजन चला नहीं पाए। जैसे मान लो हम काम स्टार्ट करेंगे, आज का डेट में 27 में स्टार्ट किया था, तो उस टाइम स्टार्टिंग 4 घंटा चला, उसके बाद यही जस्ट जिस ट्रैक्टर में हम लोग रखा था डीजी, उसी ट्रैक्टर में क्या हुआ बेल्डिंग मारा था और उसके बाद डीजी ख़राब हो गया। तो इसका वजह से इस कंपनी वाला बोल रहा क्या यार क्या डीजी भेज दिया मालूम नहीं, और तो हम बोल रहा क्या करूँ, डीजी तो इंजन है जैसे हम है, हमारा कुछ पार्ट्स का बॉडी का पार्ट्स है, कुछ तो प्रॉब्लम हो ही सकता है ना दोस्तों, आप लोग ही जरूर बताना, जो पार्ट्स तो कुछ प्रॉब्लम हो ही सकता है, अभी अच्छा हूँ कल मर जाऊँगा कोई गारंटी है? क्या बोला तूने? तो वो तो इंजन है। तो दोस्तों चलिए मैं ऐसा करके समझाया हूँ उसका, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। हम कंपनी से जब बात किया दोस्तों, तब बात करने के बाद हमारा कंपनी वाला बोला है जो चलिए एक डीजी है उस डीजी को यहाँ अनलोड कर देंगे और उसी गाड़ी में इस डीजी को लोड कर देंगे, काम खत्म। यहाँ पर जो आया हूँ मैं तिरुपति का से थोड़ा 10 किलोमीटर पीछे हूँ, और ये जो लाइन है चलते चलते तिरुपति क्रॉस कर जाएंगे, और यहाँ जो कम से कम 1 साल का काम है और ये काम करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे हमारा मशीन करेगा, लेकिन उन लोग जो है बहुत सारा आदमी है इधर काम करने वाला, उन लोग भी करेगा। तो दोस्तों हम जो जाते हैं हर एक नया नया जगह जाते हैं और नया नया ब्लॉग लाते हैं, तो दोस्तों आप लोग को जरूर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और उसके साथ साथ बेल आइकन भी ऑन करके रखना। तो दोस्तों मैं जो बताने वाला हूँ, और इस जो इंजन ख़राब हुआ था, देखिए आप लोग को सामने ही दिख रहा है, ये जो दो स्प्रिंग दिखाई दे रहा ना, ये स्प्रिंग दोनों ये ख़राब हो गया, और इसका अंदर जो नोजल है पिस्टन है वो सब भी ख़राब हो गया, तो इसका वजह से यहाँ पर नहीं ठीक होगा, इसको चेन्नई लेके जाना पड़ेगा, और चेन्नई में जाके हमारा जो कंपनी का वर्कशॉप है वहाँ पर रेडी करना पड़ेगा, और इसका लग जाएगा कम से कम 1 महीना रेडी करने लग जाएगा, तो इसीलिए दूसरा डीजी चेंज कर रही हूँ। और दोस्तों मैं आप लोग को एक बार पीछे से दिखा दे रहा हूँ, जो हमारा डीजी है वो डीजी ख़राब हो गया। तो दोस्तों ये जो है 62.5 के भी है और यही ख़राब हो गया। ऐसा आप लोग जरूर सोच रहे होंगे जो इसको बढ़ाने का मतलब क्या है, इसको बढ़ाने का क्या फ़ायदा है? तो दोस्तों हमारा जो डीजी है, देखिए ये जो ट्रैक्टर का डाला है, हमारा डाला इतना तक है, ये जो ट्रैक्टर का डाला है लास्ट इतना तक है, फिर भी ये जो बढ़ाया है इसका कुछ कारण है, वो भी खासियत मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों इस ट्रैक्टर में अगर डाला ऐसा निचोड़ देगा तो इधर हमारा बॉडी क्या हुआ लास्ट हो गया, इस डीजी का जो ट्रैक्टर का बॉडी है वो लास्ट तक ख़त्म हो गया। यहाँ पर वेल्डिंग मशीन रहेगा, इसके लिए इसका फंक्शन बनाया है, इसलिए आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, और इसीलिए वेल्डिंग मशीन रखने के लिए ये प्लेस बना रहा था। और दोस्तों इसको बनाने का साथ साथ अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, ये ख़राब होगा। और दोस्तों ये जो वेल्डिंग मशीन है कुछ 2 फीट का गैप बड़ा है और 2 फीट का 2.5 फीट का ऊंचा है, तो इसीलिए इसको बनाया इस प्लेस को, और एक्चुअली इसको ट्रैक्टर में रही रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहीं अप डाउन होगा, ऐसे रोड साइड में काम है, इधर उधर अप डाउन होगा तो कुछ भी हो सकता है, तो उन लोग समझेगा, हमको मालूम नहीं है। तो दोस्तों ये फंक्शन इसीलिए बनाया था, वेल्डिंग मशीन रख के कुछ इस तरह से लाइन से लगा के 4-5 लगा के वो वेल्डिंग करेगा। और दोस्तों वहाँ पर जो है क्या, इसका जो वेल्डिंग मारा है दोस्तों, ये देख रहे हो, इसका जैसे हम लोग शरीर का स्कैनिंग होता है, इस वेल्डिंग का भी स्कैनिंग होता है, उस मशीन भी इधर स्कैनिंग करता है, ढांक के रखा है, और उसी वेल्डिंग मशीन इसी डीजी में पीछे में लगेगा, लोडिंग होगा। और दोस्तों ये जो है ये यार्ड है, आप लोग देख पा रहे, सारे साफ कर दिया है, और यहाँ पर देख रहे हो जिस कंपनी में काम हो रहा, इस कंपनी का नाम लिखा है और इस कंपनी का रोड PGR कॉन्ट्रैक्शन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड है दोस्तों, यही कंपनी में अभी काम हो रहा। और ये जो है LPG, हम लोग जो LPG घर में गैस भरते हैं वही LPG है,
तो दोस्तों यहाँ सारे पोस्टर रेडी किया है और यहाँ पर अभी पाइप भर देगा कुछ दिन बाद, बहुत सारा पाइप भर देगा। तो उससे पहले हमारा डीजी तो ख़राब हो गया, अभी कहाँ चलेगा। तो इसीलिए इन लोग बहुत गुस्सा हो रहा। और दोस्तों यहाँ सामने में देख पा रहे हो बाईपास भी है, और ये बाईपास में क्या है, तिरुपति जाने वाला बाईपास है। और ये जो बाईपास है थोड़ा आगे जाने से 10 किलोमीटर आगे है यहाँ से तिरुपति। हम लोग जो रूम लिया है वो सामने में 2 फ्लोर का बिल्डिंग दिखा रहा है, वो बिल्डिंग में हम लोग का रूम लिया है, उधर ही हम लोग रहता हूँ। और यहाँ जो है मैं अभी आया हूँ, यहाँ तातकू बोल के जगह है, इसी तातकू में है इधर रहता हूँ। दोस्तों चलिए, आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना, और उसका साथ साथ बेल आइकन भी ऑन कर देना। हम लोग ऐसा नया नया जगह जाते रहते हैं और नया नया ब्लॉग लाते रहते हैं। आप लोग को जरूर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। दोस्तों चलिए, तब तक के लिए बाय।